देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मेरे किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेशा, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं, वहां हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहां इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और यह तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो माफ कर दो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं। वो सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी। उसको सामने माफी मांग लूं, वो उस दिन भाग गया और हम ढूंढते रहे उसको। मैंने कहा यार खामखा उसने एक लफड़ खाया, तो उसको ढूंढ लो, हम माफी मांग लेंगे। तो वो भाग गया कहीं, वो डर के मारे भागा होगा, वो शायद वो रिहर्सल के बीच में घुस गया था, उसको लगा था और मारेंगे शायद। तो लेकिन माफ कर लो, हम ऐसा कभी करते नहीं। लोग इतनी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हम घाट पे तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं। हम इतने दिन से शूटिंग कर रहे हैं कि अगले कुछ 8-10-15 दिन शूटिंग करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है।